हाँ देखिए बच्चों, हम आज ये जो चैप्टर हमारा 23rd सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस ये हम करने जा रहे हैं, तो इसको देखिए ध्यान से। सिंथेसिस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, सिंथेसिस जो है इसमें जो दिया है डेफिनेशन में, तो सिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस विच मे बी सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा गया है बच्चों कि जो सिंथेसिस है वो एक प्रोसेस है, कि बाय विच जिसमें जो नंबर ऑफ द सिंपल सेंटेंस नंबर जो सिंपल सेंटेंसेस है वो कंबाइन किए जाते हैं टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस, एक नया सेंटेंस बनाने के लिए, और विच में भी सिंपल, और जो नया सेंटेंस होगा वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्योंकि ये सेंटेंस के हमने पिछले चैप्टर में हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो क्लॉजेस थी उसी पे ये बेस्ड है। अब देखिए आगे इसने फिर क्या कहा, कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस। उसके रूल हैं टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइन टू फॉर्म अनदर सिंपल सेंटेंस बाई यूजिंग पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग लगाना, ठीक है, आई एन जी का यूज करना। जैसे दो सेंटेंस है, ग्रीस कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्ले, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ग्रीस वेंट टू प्ले, तो हैविंग लगा के दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। आगे ये देगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है टू लगा के जोड़ना। आई विल गो टू माई स्कूल, ओल्ड स्कूल, आई विल मीट माई टीचर। तो इसमें हम करेंगे बच्चों आई विल गो टू माई ओल्ड स्कूल टू मीट, ठीक है, टू मीट, इसमें आई विल ये यहाँ से कट जाएगा, तो टू मीट माई टीचर्स। नेक्स्ट है बाई यूजिंग नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और अपोजिशन होता है उसका नाम के अकॉर्डिंग। जैसे इसने क्या कहा, नागासाकी वॉज वंस अ हीप ऑफ रबल, इट इज़ नाउ अ ब्रसलिंग सिटी। तो हम क्या करेंगे, नागासाकी ये हमने कोमा लगा दिया, अपोस्ट्रोफी, वंस अ हीप ऑफ रबल फिर कोमा, इज नाउ अ ब्रसलिंग सिटी, ठीक है, ब्रसलिंग सिटी। तो यहाँ पे अब हमने इन दो सेंटेंसेस को एक बना दिया। आगे फिर क्या करेंगे बच्चों, बाई यूजिंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज करके, जैसे बाय और जो फोर है उसके बाद जिरण मतलब आई एन जी लगा देंगे, फिर हम उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। कैसे, ये देखिए अगले एग्जाम्पल में इसने दिया है, शी रिसीव द ब्रेवरी अवार्ड, ही सॉल्वड हिज ब्रदर फ्रॉम ड्रॉनिंग। तो हम करेंगे ही रिसीव द ब्रेवरी अवार्ड फॉर सेविंग हिज ब्रदर। देखिए फोर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, इसके बाद आई एन जी आया, आई एन जी के बाद जो नाउन था ये नाउन आ गया। आगे फिर ऐसे ही रूल है, अब इसमें देखिए ध्यान से, आगे भी इसी रूल को दिखाया गया है, ही सेल्स क्लॉथ, ही अर्न हिज लिविंग। तो हम क्या करेंगे, ही अर्न हिज लिविंग बाई सेलिंग क्लॉथ। अब बाई यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसके बाद आई एन जी आया है, और ये जो है हमारा नाउन है जो रूल में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बाई यूजिंग एडवर्ब, हम एडवर्ब का यूज करके भी जो है सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। आई रीच द स्पॉट, आई रीच इन द इंस्टेंट। हम क्या करेंगे, आई रीच द स्पॉट इंस्टेंटली, इंस्टेंट का हम ये काट के सीधा इंस्टेंटली बना देंगे। अब इसे नेक्स्ट जो रूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे हम टू लगाएंगे, फिर या तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे या एडवर्ब का, या फिर इसके बाद इन्फिनेटिव का। अब जैसे यहाँ जहाँ पर आपको वेरी मिले वहाँ पर अपने टू लगाना है, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट कैरी इट। तो ये दो सेंटेंस हैं, इनका हमने एक बनाना है। कैसे करेंगे, द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू कैरी, बन गया सेंटेंस। तो ऐसे बच्चों हमने इन सेंटेंस जो ये दिए हैं इनको हमने कंबाइन करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे हमने इनको कंबाइन करना है। देखो फर्स्ट है, आई रिसीव नो आंसर, आई कॉल्ड अगेन, आई रिसीव नो आंसर, आई कॉल्ड अगेन। तो हम करेंगे इसको रिसीविंग, आई एन जी लगा देंगे इसमें, रिसीविंग नो आंसर, ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा लगा के, या कोमा ना भी लगाओ सीधा आई कॉल्ड अगेन, बस ऐसे लगा दो आई कॉल्ड अगेन, ठीक है।
आगे है ही हर्ट हिज हैंड ही स्टॉप्ड राइटिंग, तो हम करेंगे हैविंग, पार्टिसिपल लगा देंगे इसमें हैविंग हर्ट, हैविंग हर्ट आगे यूं कहूँ हैविंग हर्ट हिज हैंड ही स्टॉप्ड राइटिंग, आगे यूं कहूँ आ जाएगा द बॉय ब्रोक अ विंडो ही रन अवे, तो हम करेंगे हैविंग ब्रोकन विंडो, द बॉय को काट के हम यहाँ पे हैविंग लगा देंगे हैविंग ब्रोकन अ विंडो, इसके बाद अब पूरा यूं कहीं रहेगा बस ही छोटा हो जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा ना, फिर बीच में से जो फुल स्टॉप है ये हट जाएगी, तो हैविंग ब्रोकन अ विंडो और ही जो छोटा हो जाएगा एक सेंटेंस बन के, तो ही रन अवे, ये सेंटेंस पूरा यूं का यूं आ जाएगा। आगे है शशंक इज वेरी बिजी ही कांट वर्क हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, तो हम क्या करेंगे शशंक इज वेरी शशंक इज टू बिजी, वेरी कट के टू, शशंक इज टू बिजी और ये भी कट जाएगा, इसकी जगह लगा देंगे टू, शशंक इज टू बिजी टू वर्क हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, ठीक है फॉर हिज एग्जामिनेशन। आगे है जॉन प्लेड चेस वेल ही वॉन द मैच, तो हम क्या करेंगे इसमें जॉन हैविंग प्लेड चेस, जॉन इसमें करेंगे हैविंग, जॉन हैविंग प्लेड, जोहन मैं लिख ही देता हूँ, जोहन हैविंग प्लेड चेस वेल और इसके बाद ही लिख देंगे हम वेल, फिर यहाँ पे कोमा लगा के वेल के बाद लिखेंगे ही वॉन द मैच, ही वॉन द मैच फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब द फार्मर लिट अ कैंडल ही वॉन्टेड टू रीड, तो हम सीधा कर देंगे द फार्मर लिट अ कैंडल, अब यहाँ पे इसको काट के बस टू रीड, द फार्मर लिट अ कैंडल टू रीड, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट आई कुड नॉट गो टू श्रीलंका, तो हम क्या करेंगे हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट माई पासपोर्ट, हैविंग लॉस्ट माई पासपोर्ट, Having lost my passport, I could not go to Sri Lanka. ठीक है Having lost my passport, I could not go to Sri Lanka. ठीक है अब आगे देखो He did all work, he did it with sincerity. तो हम क्या करेंगे He did all work. He did all work और यहाँ से हम काट देंगे बस इसमें मिक्स हो जाएगा He did all work with sincerity. The boy could not come to school. He was ill. तो हम करेंगे being ill करके ये यहाँ से काट देंगे सारा being ill करके ये लगा देंगे the boy ये पूरा लाइन आ जाएगी The boy could not come to school. Being ill. The boy could not come to school. Next देखिए Gagan work hard. He has to educate his brother. तो हम करेंगे यहाँ पे Gagan work hard to educate. ये to तो रहेगा to educate his brother. Tagore was born in 1861. He was a world famous poet. तुम करेंगे टैगोर इसको थोड़ा सा हम बना के करेंगे टैगोर कोमा अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे अ वर्ल्ड फेमस पोइट ठीक है फिर कोमा लगाएंगे पोइट वॉज बोर्न इन 1861 फुल स्टॉप ये करेंगे हम टैगोर कोमा अ वर्ल्ड फेमस पोइट कोमा वॉज बोर्न इन 1861 ठीक है बच्चों अब आगे देखो ट्वेल्थ में हम अभी बनाते हैं ट्वेल्थ को भी द फार्मर आर वेरी पुअर वेरी आते टू कर देंगे द फार्मर आर टू पुअर और यहाँ पर भी टू बाय ग्रेन बस द फार्मर आर टू पुअर टू बाय ग्रेन अब आगे देखो बच्चों आगे हमने कैसे करना है देखिए ध्यान से कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस तो इसमें सिंपल से अब हमने कंपाउंड बनाना है और जितने भी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन दिए हैं बच्चों
जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो बट यट हाउ एवर सो फॉर आइदर और नाइदर नॉट डियर फॉर ये सारे हमने यूज करने हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिखाया है। अभी एग्जाम्पल भी करते हैं एक दो हम। ही इज़ आ टीचर ही इज़ एन एथलीट तो हम करेंगे ही इज़ नॉट ओनली आ टीचर बट ऑल्सो एन एथलीट तो दोनों को जोड़ दिया। आगे है इट इज़ स्नोइंग द सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन टाइम तो हम करेंगे इट इज़ स्नोइंग बट द सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन टाइम। आगे ही इज़ नॉट अ फूल ही इज़ नॉट अ चीट हम करेंगे ही इज़ नाइदर अ फूल नॉर अ चीट। तो ऐसे हमने जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमने यूज करके हमने एक सेंटेंस बनाना है। अब आगे देखिए बच्चों, अब ये है हमारा ज्वाइन दीज सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब देखिए आई डू नॉट लाइक ऑरेंज आई डू नॉट लाइक पीच तो हम क्या करेंगे ये दोनों को आई नाइदर लाइक ऑरेंज नॉर पीच बस बन गया सेंटेंस हमारा ठीक है नॉर पीचेज आई नाइदर लाइक ऑरेंज नॉर पीचेज। आगे देखिए अ बोट वॉज ब्रॉट द गुड्स वर लोडेड तो हम करेंगे अ बोट वॉज ब्रॉट और इनके बीच में बस एंड लगा देंगे एंड द गुड्स वर लोडेड। द बॉय इज नॉट लेजी द बॉय इज नॉट इन सिंसियर तो हम करेंगे द बॉय इज नाइदर लेजी द बॉय इज नाइदर लेजी और इसको काट के कर देंगे नॉर इन सिंसियर द बॉय इज नाइदर लेजी तो आएगा यहाँ पे नाइदर लेजी नॉर इन सिंसियर ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए द पैसेंजर वर डिलेट दे वर नॉट हैप्पी हम करेंगे द पैसेंजर वर डिलेट बट इसको देवर को काट के ना बट लगा देंगे बट नॉट अनहैप्पी। आई विल वर्क हार्ड इन स्कूल आई विल नॉट गिव अप स्विमिंग तो हम क्या करेंगे आई विल वर्क हार्ड इन स्कूल बट दोनों के बीच में बट लगा देंगे बट आई विल नॉट गिव अप स्विमिंग। आगे है ही डिड नॉट परफॉर्म वेल ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्क्वेड तो हम क्या करेंगे ही डिड नॉट परफॉर्म वेल तो इसके यहाँ पे सो लगा देंगे सो ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वेड। आगे है द डॉक्टर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड ही सेट अप अ नर्सिंग होम तो यहाँ पे करेंगे द डॉक्टर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इसके यहाँ बस एंड लगा देंगे एंड ही सेट अप नर्सिंग होम। अब नेक्स्ट देखिए The elders of the family were tired. The children were tired. हम क्या करेंगे Not only. आगे बस इसके आगे ना हम not only लगा देंगे तो इसके आगे देखिए एक मिनट में सेट कर लेता हूँ इसको। इसके आगे हम ये लगा देंगे not only. Not only the elders of the family were tired. ठीक है but children also. या फिर इसको दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा हा इस तरीके से देखें not only were the elders of the family tired but also the children फुल स्टॉप या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। सेकंड है द स्टोर कोच फायर नथिंग इन द स्टोर वॉज डिस्ट्रॉयड तो हम क्या करेंगे इसमें द स्टोर कोच फायर यहाँ तक हो गया इसके बाद करने के नेवरथलेस देखिए कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे करेंगे नेवरथलेस फिर भी
नेवर्थलेस, या तो नेवर्थलेस कर दो या यट, ठीक है। द स्टोर कोज द फायर, नेवर्थलेस नेवर्थलेस ही कर लो, नेवर्थलेस नथिंग इन द स्टोर वॉज डिस्ट्रॉयड। अब आगे देखो, द विलेजर सोड द सीड ऑन टाइम, द रेन वॉश देम अवे। तो करेंगे द विलेजर सोड द सीड ऑन टाइम, अब यहाँ पे कर देंगे बट द रेन वॉश अवे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, अब हमारा कंबाइन नेक्स्ट सेंटेंस रहता है इसमें, कल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए आपने इतना ही करना है। थैंक यू।